छात्रों, बही खाता 12वीं के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे साझेदारी का अवकाश ग्रहण और मृत्यु। एक फर्म में जब साझेदार किन्हीं कारणों से फर्म से अलग हो जाता है तो कहलाता है उसका अवकाश ग्रहण करना। के बहुत सारे कारण हैं जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। साथ ही यदि साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में भी जो है फर्म का क्या होता है, पुनर्गठन होता है। तो आज हम यह अध्ययन करेंगे संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन और निवृत्त साझेदार को देय राशि का भुगतान। तो जैसा कि हमने देखा था कि पूर्व में कि जब कोई फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है तो इस स्थिति में फर्म का पुनर्गठन होता है। वो फर्म का पुनर्गठन होने से जो है नए साझेदार के आने से नया लाभ हानि अनुपात तय करता है, तय किया जाता है। और जो त्याग और प्राप्ति अनुपात है उस अनुपात में पुराने साझेदार नए साझेदार ख्याति को अधिग्रहण करते हैं और जो संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होता है उससे जो लाभ या हानि है उसको अपने पुराने अनुपात में प्राप्त करते हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि साझेदारी का अवकाश ग्रहण। जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश लेता है, फर्म से अलग होता है तो इस स्थिति में पुनः यहाँ पर संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। तो ये पुनर्मूल्यांकन संबंधी हम इसमें देखेंगे। फिर वही निवृत्त साझेदार, जो साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है उसको जो राशि मिलना चाहिए फर्म से, उस राशि का भुगतान हम किस प्रकार से करेंगे इस अध्याय के अंतर्गत हम देखेंगे। ये हमारे सामने संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। तो जब अवकाश ग्रहण करता है कोई साझेदार तो फर्म की संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जिसके लिए हम पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। तो यहाँ पर जो है जिस दिवस में साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है या जिस दिवस में कोई एक साझेदार की मृत्यु हो गई, उस स्थिति में जिस स्थिति में हम फर्म का पुनर्गठन कर रहे हैं उस स्थिति में संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है कि वास्तविक में उस समय पर संपत्तियों और दायित्वों की स्थिति क्या थी। इसके लिए हम क्या खोलते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता हम खोलते हैं, जिसका हम प्रारूप पिछले अध्याय में देख चुके हैं। तो यहाँ अवकाश ग्रहण या मृत्यु की दशा में पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ या हानि को अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार सहित से समस्त साझेदारों के मध्य विद्यमान लाभ हानि अनुपात में यहाँ पर बांटा जाता है। तो जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है, जब पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार होता है, तो जो भी लाभ या हानि है उसमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार सहित शेष जो बाकी सभी साझेदार हैं उनके बीच में जो भी लाभ हानि है उसको पुनर्मूल्यांकन के अंतर्गत वितरित किया जाता है। अब जबकि साझेदार के समय हम क्या देखते हैं, जब फर्म में पिछले अध्याय में हमने देखा जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो उस समय जो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है तो उसका जो लाभ या हानि है वो प्रवेश करने वाले नए साझेदार, मतलब यहाँ पर नए साझेदार के मध्य नहीं बांटा जाता। अर्थात उस समय जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो जो हम पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करते हैं तो जो भी पुनर्मूल्यांकन का लाभ या हानि है वो पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में बांटा जाता है, यहाँ नए साझेदार को हिस्सा नहीं दिया जाता। तो यहाँ पुनर्मूल्यांकन के संबंध में जो हम लेखे करेंगे वही होंगे जो कि साझेदार के प्रवेश के पर पुराने साझेदारों के बीच पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि के वितरण के पुराने अनुपात में हम यहाँ पर करते हैं। तो ये इस प्रकार से हम संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, जब फर्म से कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तब उस स्थिति में पुनर्मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं, ये है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पुनर्मूल्यांकन पर या हानि का लेखा। तो जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है तो संपत्तियों दायित्वों का जो पुनर्मूल्यांकन है वो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार सहित जो शेष साझेदार हैं उनके बीच में लाभ या हानि का वितरण किया जाता है। तो इसकी जो जनरल प्रविष्टि है वो रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाता, ये डेबिट
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें इंक्लूडिंग इन जो अवकाश ग्रहण कर रहा है साझेदार उसके सहित, ये तीनों साझेदार जो हैं, मान लीजिए तीन साझेदार हैं, इसमें से कोई यदि बी मान लीजिए अवकाश ग्रहण कर रहा है तो उसका भी हिस्सा इसमें यहाँ पर रहेगा। तो पुनर्मूल्यांकन पर यदि लाभ हुआ है तो रिवेल्युएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। विंग रिवेल्युएशन अकाउंट रिवेल्युएशन प्रॉफिट, जो पुनर्मूल्यांकन का लाभ है वो पुराने साझेदारों के को पुराने अनुपात में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेटली, तो उस पुराने अनुपात में जो है इन सबको ये लाभ का वितरण किया जाएगा। तो ये है आपकी पुनर्मूल्यांकन पर यदि लाभ होता है तो उसकी प्रविष्टि। दूसरा है यदि पुनर्मूल्यांकन पर हानि होती है तो पुनर्मूल्यांकन पर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो भी साझेदार हैं ए बी सी, जैसे कि अभी ऊपर बताया मैंने, यदि तीन पार्टनर हैं उनमें से कोई एक सेवानिवृत्त भी हो रहा है तो भी यहाँ पर जो हानि है पुनर्मूल्यांकन की हानि वो प्रॉपरली पुराने अनुपात में सभी को बटेगी। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवेल्युएशन अकाउंट क्रेडिट। विंग रिवेल्युएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेटियो, तो पुराने अनुपात में जो साझेदारों को है, सभी साझेदारों को ए बी सी जो भी साझेदार हैं उन सबको पुराने अनुपात में यहाँ पर हानि का वितरण किया जाएगा। तो ये पुनर्मूल्यांकन पर लाभ और पुनर्मूल्यांकन पर हानि का लेखा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है, फर्म में जो उसकी हिस्सेदारी थी उसका हिस्सा वो पुनर्मूल्यांकन के पश्चात जो भी उसकी देयता सेवानिवृत्त साझेदार की जो भी देयता बनती है तो फर्म उसको किस किस प्रकार से चुका सकता है। पहली चीज तो है कि कुल राशि को रोकड़ में देना। यदि फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में रकम है, पूंजी है, तो ऐसी स्थिति में साझेदार को जो है वो एक साथ पूरी रकम रोकड़ के रूप में दे देता है। तो इस विधि के अनुसार जो है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को कुल देय राशि उसके फर्म से अलग होते समय एक साथ रोकड़ में चुका दी जाती है। ऐसा तभी संभव है जब फर्म के पास पर्याप्त रोकड़ उपलब्ध हो। तो पहला जो तरीका है सेवानिवृत्त साझेदार को राशि का भुगतान करने का, उसका पहला तरीका क्या है कि जो भी उसका हिसाब बनता है, जो भी उसका हिस्सा बनता है, उस हिस्से से जुड़ी हुई पूरी की पूरी राशि उसको नगद में रोकड़ में यहाँ पर हम दे देते हैं, जिसकी जनरल प्रविष्टि होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो भी साझेदार रिटायर हो रहा है सेवानिवृत्त साझेदार पूंजी खाता, यहाँ पर जो सेवानिवृत्त साझेदार हो रहा है उसके पूंजी खाते में ये रकम यहाँ क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी टू कैश या बैंक अकाउंट या ये नगद बैंक से उसके भुगतान किया जाएगा। बीइंग द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स पेड इन फुल इन केस, तो यहाँ पर जो सेवानिवृत्त साझेदार है को ये यहाँ पर जो भी उसकी राशि बनती है उसको यहाँ पर नगद प्रदान कर दिया। दूसरा तरीका जो है किस्तों में भुगतान करना। तो जब फर्म के पास पर्याप्त रोकड़ नहीं होती है तो एकमुश्त भुगतान करना उसके लिए संभव नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है उसके पूंजी खाते की खाते में अंतरित कर दिया। इसके लिए क्या किया जाता है कि उस सेवानिवृत्त जो साझेदार है उसका एक ऋण खाता खोला जाता है और उस ऋण खाते में जो उसकी पूंजी बनती है, जो उसका हिस्सा बनता है, उस रकम को जो है हम ऋण खाते में अंतरित कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी निश्चित किस्तों में भुगतान करने की व्यवस्था रहती है। और हम कुछ किस्तें जो हैं निर्धारित कर देते हैं एक समय पीरियड के साथ, और समय पीरियड पूरा होने के पश्चात जो है
हम ऋण खाते से राशि उसके खाते में ट्रांसफर करते चले जाते। अब यहाँ पर जब तक उसकी संपूर्ण रकम का भुगतान नहीं हो जाता तब तक शेष रकम पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। जो रकम हमने निर्धारित की है फर्म से, जो उसकी रकम निर्धारित हुई है उस रकम को उठाकर हम पूरे ऋण खाते में ट्रांसफर कर देते हैं और फिर समय समय पर हम वहाँ से जो है उसकी किस्तें का समय है उस समय टाइमिंग पीरियड में हम उसका भुगतान करते जाते हैं। और यहाँ पर जब तक हम उसकी संपूर्ण रकम का भुगतान नहीं कर देते तब तक जो उसकी शेष रकम बचती है उस शेष रकम पर निश्चित समय पर एक निश्चित दर से हम उसको ब्याज भी प्रदान करते हैं, तो ये कहलाता है किस्तों में भुगतान करना। अब इससे संबंधित हम जनरल प्रविष्टि देखेंगे। अभी यह किस्तों में भुगतान करने से संबंधित जनरल प्रविष्टि। तो यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये हो गया आपका ऋण खाता। जो साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है उसका ऋण खाता हमने खोला, तो सेवानिवृत्त पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। दूसरी प्रविष्टि जो है हमारी इंटरेस्ट। अब अभी जैसा कि बताया कि जब तक उसकी पूरी रकम चुक नहीं जाती तब तक उसको उस बची हुई शेष रकम पर जो उसको ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है, तो यहाँ इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स लोन अकाउंट। जो ब्याज है वो उसके सेवानिवृत्त साझेदार के ऋण खाते से यहाँ पर अंतरित होगा। फिर यहाँ पर जब हमने उसको यहाँ पर भुगतान करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट टू बैंक और कैश अकाउंट बीइंग इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन पेड, किस्त की जो भी राशि है उसको हमने यहाँ पर भुगतान की। तो ये दूसरी पद्धति जो है किस्तों में भुगतान करना। तीसरी आती है वार्षिकी द्वारा भुगतान, जिसको हम बोलते हैं एंटी सस्पेंस और वार्षिकी उच्चंत खाता। तो यहां हम देखते हैं कि एक साझेदार जब फर्म से रिटायर होता है तो उसकी जो देय राशि है वो उसका भुगतान हम वार्षिकी के द्वारा भी कर सकते हैं, अर्थात वर्ष में एक बार निश्चित रकम हमने निर्धारित कर दी और उसको हम समय पर वो भुगतान कर देते हैं। तो ऐसी दशा में एक वार्षिकी उच्चंत खाता खोला जाता, जो भी मैंने बताया वार्षिकी उच्चंत खाता। तो ये क्या है वार्षिकी उच्चंत खाता, कि जब निवृत्त होने वाले साझेदार को उसकी देय राशि का भुगतान वार्षिकी द्वारा किया जाता है तो वो उसके लिए हम वार्षिकी उच्चंत खाता खोलते हैं। अब इसमें निवृत्त होने वाले साझेदार को देय राशि जमा कर दी जाती है। इस वार्षिक उच्चंत खाते में साझेदार को हमें जो भुगतान करना है वो पूरी की पूरी रकम हम एक समय पर वहां पर हम उस खाते में जमा कर देते हैं। अब इस जमा रकम पर जो है उसको ब्याज भी प्राप्त होता है, ब्याज भी प्राप्त होता तथा प्रतिवर्ष एक पूर्व निश्चित रकम का भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पर वार्षिक उच्चंत खाते में जो सेवानिवृत्त साझेदार है उसकी संपूर्ण राशि को हम ट्रांसफर कर देते हैं, हस्तांतरित कर देते हैं और फिर प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम निकालकर हम उसमें से उसको भुगतान करते हैं और जो जमा रकम उसकी बची हुई है उस पर उसको ब्याज भी प्रदान किया जाता है। अब दूसरी एक बात यहाँ पर आती है कि यदि पूर्ण भुगतान होने के पूर्व यदि निवृत्त साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो इसको क्या मान लिया जाता है, पूंजी लाभ मान लिया जाता है। और इस पूंजी लाभ को मानते हुए हम क्या करते हैं, वर्तमान साझेदारों के खाते में जो है उनके लाभ हानि अनुपात में हम ये क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है जो तीसरी स्थिति है सेवानिवृत्त साझेदार को देय राशि के भुगतान की वो है तीसरी वार्षिकी द्वारा भुगतान। पुनः यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर सेवानिवृत्त साझेदार को जो देय राशि है उसको एक मुश्त उठाकर हम वार्षिक उच्चंत खाते में डाल देते हैं और फिर प्रतिवर्ष उसमें से एक निश्चित रकम निकालकर सेवानिवृत्त साझेदार को प्रदान करते हैं, साथ ही उस जमा रकम पर उसको ब्याज भी प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से ये एन्युटी सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। इससे संबंधित हम जनरल प्रविष्टि देखेंगे वार्षिकी द्वारा भुगतान से जुड़ी हुई। तो रिटायरिंग पार्टनर टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट ट्रांसफर टू एन्युटी सस्पेंस
अकाउंट। दूसरी प्रविष्टि होती है हमारी ब्याज से जुड़ी हुई, जो शेष राशि ब्याज हमें उसको प्रदान करना है जमा राशि पर, तो ब्याज खाते में डेबिट करेंगे एनुटी सस्पेंस अकाउंट से, और फिर जो उसको दे राशि सीधी बनती है जो, वो एनुटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंट पेड, अर्थात वार्षिक उच्चांत खाते से साझेदार को भुगतान यहाँ पर किया गया। तो ये जो है वार्षिकी द्वारा भुगतान जब हम करते हैं तब उसकी जनरल प्रविष्टि। अभी जो हमने देखा यहाँ पर उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं। एक फर्म में निवृत्त होने वाले साझेदार की स्थिति में संपत्तियों व दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन को समझाइए और जनरल प्रविष्टि दीजिए। दूसरा जो है वार्षिकी उच्चांत खाता से क्या आशय है, ये कब बनाया जाता है इसे समझाइए। और तीसरा बिंदु जो है निवृत्त साझेदार को देय राशि का भुगतान करने की पद्धतियों के नाम लिखिए और उन पद्धतियों को समझाइए। तो यहाँ पर जो है तीन प्रकार की स्थिति बताई हमने कि एक मुश्त भुगतान करना, दूसरा किस्तों में भुगतान करना और तीसरा वार्षिकी चंद खाते के माध्यम से वार्षिकी भुगतान करना।